हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम सूजी का ढोकला बनाएंगे, इसे रवा ढोकला भी कह सकते हैं। ये एक लो कैलोरी रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं सूजी का ढोकला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2 कप सूजी, 1 कप कर्ड, 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट, थोड़ा कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स यानी कि तल, 1 टेबलस्पून इनो और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम ढोकला बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए पहले 2 कप सूजी लेंगे, फिर 1 कप कर्ड, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे। ये देखिए बैटर रेडी है और इसे हम ढक लेंगे और 20 मिनट तक इसे रेस्ट करने देंगे। तब तक हम एक पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और एक स्टीमर या कुकर में 2 ग्लास पानी लेंगे। और इसमें हमारी ग्रीस की हुई पैन रखेंगे और पानी को 10 से 15 मिनट तक बॉईल होने देंगे। बैटर को बीच में ड्रेस करने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून इनो डालेंगे और इसमें तुरंत 1 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे और इसे तुरंत मिक्स कर लेंगे। बैटर को हम पैन में पोर कर लेंगे और इसे 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट बाद ढोकला रेडी हो जाएगा। अब इसमें एक टूथपिक डालेंगे और अगर टूथपिक साफ निकलती है तो इसका मतलब ये होता है कि ढोकला अच्छे से पक चुका है। इसे हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे और फिर इसे पैन से सेपरेट कर लेंगे और फिर इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे बड़ा या छोटा कट कर सकते हो। अब हम तड़का बनाएंगे, जिसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और इसे स्प्लटर होने देंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स यानी कि तल डालेंगे और इसे 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब तड़का रेडी है और इसे हम ढोकले पे डालेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। एंड में ढोकले को हम कोरिएंडर से गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, सूजी का ढोकला रेडी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।